बार अचानक से एक खुशहाल रिश्ते में लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे बीच में प्यार कम हो गया है, और प्यार कम होने की ऐसी कोई खास वजह दिख भी नहीं रही होती, लेकिन फिर भी उन दोनों को ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। जो लोग उनको सामने से देख रहे होते हैं उन्हें ऐसा ही लग रहा होता है कि यार ये आदर्श जोड़ा है, इनसे बढ़िया तो कोई कपल ही नहीं है, कितना प्यार है इन दोनों के बीच में। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो जोड़ा अपने रिश्ते में खत्म होते हुए प्यार की कमी का रोना रो रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कोई एक पार्टनर को कोई शिकायत ना हो, वो बिल्कुल खुश हो, लेकिन दूसरा ही रोना रो रहा हो कि यार हमारे बीच में प्यार कम हो गया। क्यों होता है ऐसा? ऐसा आखिर कैसे हो जाता है कि किसी एक पर्सन को अपने रिलेशनशिप में प्यार की कमी महसूस होने लग जाती है? तो देखो, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि एक का प्यार जाहिर करने का तरीका दूसरा समझ नहीं पाता। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि देखो, प्यार की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। कुछ को हम समझ पाते हैं तो कुछ हमारी समझ से बाहर होती है। तो आज मैं आपको उन्हीं 5 तरह की प्यार की भाषाओं के बारे में बताने वाली हूँ कि वो भाषाएं कौन कौन सी होती है और उनका क्या महत्व होता है हमारी जिंदगी में। तो सबसे पहली भाषा है प्यार की लिखने और बोलने वाली भाषा, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल करके अपने प्यार को जाहिर किया जाता है। आप चाहे बोलकर किसी को अपनी भावनाओं को समझाओ, या फिर लिखकर आई लव यू बोलो, या फिर आई लव यू लिखकर टाइप करके मैसेज सेंड करो, सामने वाला आसानी से समझ ही जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं या समझाना क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को लिखने और बोलने वाली भाषा ही समझ में आती है, और यही वजह है कि गाने, कविताएं, शायरी इतनी ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि लोगों को समझना आसान होता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। आपने अगर किसी को गाना भेज दिया तो मतलब वो समझ गया कि इलू इलू वाली चीजें हैं, अगला सीरियस है, प्यार श्यार का है मामला। एक देखो वो भी दौर था जब दो लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रेम पत्र का लेन देन किया करते थे। आज का स्वरूप बदल चुका है, अब इन सब चीजों की जगह चैट, व्हाट्सएप, मैसेजेस, इन सब चीजों ने ले ली है। लेकिन देखो, अगर आप शब्दों का ही इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ये भी चीज सही नहीं है। बड़े बुजुर्ग कह गए कि रस भरी बातों से ही संसार नहीं चलता, तो कुछ करना भी पड़ता है दूसरे के लिए। अब हम दूसरी भाषा के बारे में बात करते हैं, जो कि है काम वाली भाषा, मतलब काम से जताने वाली भाषा। देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लच्छेदार रसीली बातें करनी नहीं आती, वो इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं होते कि किसी को बातों की पट्टी पढ़ा सके, उसे रिझा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्हें प्यार जताना नहीं आता, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। और वो तरीका क्या होता है जो वो अक्सर यूज करते हैं? काम में हाथ बटाके, उसके दैनिक कार्यों में या फिर उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाकर, उसके सहायक बनकर वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं तो उसको सारी चीजें नॉर्मली लगने लग जाती हैं कि हाँ चलो ये तो करता ही रहता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस में रहना चाहिए ताकि उसको उसकी कद्र भी हो। अब तीसरी भाषा कौन सी है? उपहार वाला प्यार। कि माना कि आपको ये जो मैंने दो भाषाएं बताई इसमें आप निपुण हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन आपका पार्टनर कहीं ना कहीं मन ही मन ये भी लालसा रखता है कि आपको तीसरी भाषा मतलब उपहार वाली भाषा का भी ज्ञान हो, इसका इस्तेमाल करना भी आप जानते हो। यानी प्यार में एक दूसरे को उपहार देना भी जरूरी है। तो ये जो बर्थडे, एनिवर्सरी, साल में जो एक दो बार आती रहती है, इसमें आप उपहार देना ना भूले। माना ये थोड़ा सा दिखावटी हो सकता है, भौतिकवादी हो सकता है, लेकिन आजकल की दुनिया इसे ही प्यार समझती है। तो करना कुछ गलत नहीं है अगर आपने कर दिया किसी के लिए अपने प्यार का इजहार। साल में एक दो बार उपहार देने से अगर आपका रिश्ता मजबूत होता है, उसकी नींव मजबूत होती है, तो हर्जी क्या है। चौथी भाषा, जब हमारे पास भाषा का ही ज्ञान नहीं था, पत्थर रगड़कर आग लगाई करते थे, उस वक्त की बात कर रही हूँ, आदि मानव का टाइम, तब भी प्यार दो लोगों के बीच में हुआ करता था। उसको जताने का तरीका भी था, और वो क्या था? एक दूसरे को स्पर्श करना।
स्पर्श की भाषा, आपका टच करना, किसी को स्पर्श करना, ये सामने वाले को जता देता है कि आप किस भावना से उसको टच कर रहे हो, उसको स्पर्श कर रहे हो। ये स्पर्श की भाषा जो है ये बहुत ही शक्तिशाली, एक पावरफुल तरीका है अपने प्यार को जताने का। एटम बम है, एटम बम। बिना कुछ कहे सिर्फ टच करके आप उसे एहसास करा सकते हो अपने प्यार का। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखें कि मैं सेक्स वाले टच की बात नहीं कर रही हूं, मैं प्यार वाले टच की बात कर रही हूं। दोनों चीजों में फर्क है। आप जो प्यार के भावना से किसी को टच करते हो और सेक्स की भावना से टच करते हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसका देखो प्यार से हाथ थामना, उसकी हथेली पे अपने हथेली को ऐसे करके स्पर्श करना, रगड़ना, उसके होठों पर हल्का सा चुंबन देना, ये सारी चीजें देखो स्पर्श की कैटेगरी में आती हैं। इससे सेक्स का कोई लेना देना नहीं होता। उसको प्यारा सा हग करना, उसके फोरहेड पे किस करना, ये जताता है उसको कि आप उससे कितना प्यार करते हो और आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अब पांचवी भाषा, क्वालिटी टाइम साथ बिताने वाली भाषा। अब देखो जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, ये एक्सप्लेन किया था कि दो लोगों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? और देखो ऐसा आजकल मेट्रो लाइफ में तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि दो लोग एक साथ रहकर भी साथ नहीं होते। क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? तो देखो जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, ये मोबाइल हाथ में आया है, तब से हर इंसान की अपनी अलग अलग दुनिया हो गई है। पहले भी लड़ाई झगड़े मनमुटाव हुआ करता था, लेकिन तब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें जिससे लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हुआ है उसे फेस करना ही होगा, बात करनी ही होगी। लेकिन अब ऐसा जरूरी ही नहीं है, बिना बात किए लोग रह सकते हैं, क्योंकि फोन ने वो अवेलेबिलिटी दे दी है आपका अकेलापन दूर करने के लिए। अब सामने वाले को ऐसी कोई खास जरूरत लगती ही नहीं है कि हाँ ठीक है मूड खराब है, चलो फोन में लग गए, अपने आप ठीक हो जाएगा मूड, तब बात कर लेंगे। ऐसी कोई खास आवश्यकता रही नहीं गई है। किसी का मूड भी ठीक करना है, कोई नाराज भी है तो पूछ भी ले क्या हुआ, हो जाएगा ठीक। मोबाइल है ना मूड फ्रेश करने के लिए, जाओ अभी यूट्यूब पे कुछ खोलो, देखो हो गया मूड ठीक आपका। तो इसलिए किसी को किसी की जरूरत लगती ही नहीं है। बाकी रह तो रहे हैं, काट तो रहे हैं जिंदगी, साथ रह तो रहे हैं, रोज रात को बिस्तर पर मिलते तो हैं, और क्या चाहिए, हो तो रहा है, ये हो गई है लाइफ। तो देखो यही रीजन होता है कि दो लोग एक छत के नीचे रहकर भी साथ नहीं होते। साथ रहना और साथ होना दोनों चीजों में फर्क है। एनीवे आपको मैंने प्यार की पांच भाषाएं बताई। हो सकता है कि एक दो भाषाओं में आप निपुण हो और हो सकता है कि पांचों में ही निपुण हो, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा 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 हर भाषा को समझ ले, इसका ज्ञान ले ले और अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय करे। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।